हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सात माह बाद भी चोरी की वारदात का हुआ खुलासा नहीं। थाने के चक्कर काटकर परेशान हुआ शिक्षक, एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर की कार्रवाई की मांग। जिले के शिव थाना अंतर्गत गंगू गांव में हुई चोरी की वारदात में कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को परिवादी परिवार के लोगों ने SC ST एकता मंच के अध्यक्ष उदाराम मेघवाल के नेतृत्व में जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्बला के अध्यापक बाबू प्रकाश ने बताया कि वो गंगू गांव का निवासी है। 24 जुलाई 2020 को उसके घर के सदस्य रात्रि भोजन के बाद मकान की छत पर सो रहे थे। देर रात अज्ञात चोरों ने उसके घर की एल्यूमिनियम की खिड़की को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 25 जुलाई को जब घर के सदस्य नींद से जगे तो एल्यूमिनियम की खिड़की टूटी हुई थी, जहां से अज्ञात चोरों ने घर में प्रवेश कर दो अलमारियों में रखे 13 तोले के सोने के आभूषणों और 90 तोला चांदी पर हाथ साफ कर लिया। परिवादी शिक्षक के अनुसार घटना को लेकर उसके द्वारा 25 जुलाई को ही शिव थाना पुलिस को सूचित करने के साथ 01/06/2020 में अज्ञात चोरों मामला दर्ज करवाया गया था, लेकिन घटना के 7 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। इसे परिवार के लोग आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक क्षति से भी गुजर रहे हैं। परिवादी ने एसपी को सौंपे ज्ञापन में बताया कि क्षेत्र में दिनों दिन चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस द्वारा अनुसंधान में देरी बरते जाने से अज्ञात चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। परिवादी अध्यापक ने एसपी को सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि किसी विशेष टीम का गठन कर चोरी की वारदात का खुलासा किया जाए, ताकि आम जनता का पुलिस पर भरोसा कायम हो सके। 7 माह पूर्व 24/07/2020 को गुंगा में बाबू प्रकाश हमारे टीचर है, वरिष्ठ अध्यापक, उनके घर में चोरी हुई थी। उस चोरी की प्राथमिकी पुलिस थाना शिव में दर्ज करवाई। दर्ज करवाने के बाद SHO शिव द्वारा हमेशा यही प्रार्थी को बताया गया कि भाई इस प्रकरण में हम जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। वो जांच रिपोर्ट का जो IO नियुक्त किया है वो IO गुंगा चौकी के मुंशी जी को दी है, वो भी जांच करने में सक्षम नहीं है। और 7 माह चोरी को हुए व्यतीत हो चुके हैं और उस चोरी का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। चोरों का घर से एक तो धन गया है, ऊपर से बदनामी हो रही है, किसी भी मुलजिम को नहीं पकड़ा गया। उसके बाद में भी गुंगा में दुकानों में घरों में चोरियां हुई है, उस प्रकरण में भी अभी किसी को भी पकड़ा नहीं गया है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से खास रिपोर्ट।